अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे का आईक्यू नॉर्मल होता है लेकिन उसको स्पेसिफ़िक एरियाज़ में डिफ़िकल्टी होती है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। एक डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे के अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह उसका लो आईक्यू होता है, लेकिन स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर उससे डिफरेंट है। इस डिसऑर्डर में बच्चों को रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि स्लो और एफर्टफुल वर्ड रीडिंग करेंगे, लफ्ज़ों को फ्रीक्वेंटली गेस करेंगे, जो रीड कर रहे हैं उसको उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, जैसे कि वोवल्स को ऐड, ओमिट या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिटन एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। इन स्पेसिफिक एरियाज़ में डिफ़िकल्टी की वजह से उनके एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल स्किल्स या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अफेक्ट होंगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें मुख्तलिफ लर्निंग इश्यूज़ आ जाते हैं। एजुकेशनल एवेलुएशन के थ्रू पता लगता है कि बच्चे को कौन से स्पेसिफिक एरिया में डिफ़िकल्टी आ रही है। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, जैसे डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी और डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो डिफ़िकल्टी होती है उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब हम बारी बारी इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया को वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें बच्चे की विजन और इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है लेकिन उसको रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। ऐसे बच्चे लफ्ज़ों को पढ़ नहीं पाते, रीडिंग करते हुए सेंटेंसेस के सीक्वेंस को और उसके रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते, लफ्ज़ों को अक्सर गेस करते रहते हैं। एक ही लफ्ज़ पहले पैराग्राफ में एक तरह पढ़ेंगे और दूसरे पैराग्राफ में उसको दूसरी तरह पढ़ेंगे, जो रीड कर रहे हैं उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि वोवल्स को ऐड, ओमिट या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वर्ड्स को प्रॉपरली साउंड आउट नहीं कर पाते और ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं जिसमें रीडिंग इन्वॉल्व होती है। सेकंड टाइप डिसग्राफिया यानी राइटिंग डिसेबिलिटी है। ऐसे बच्चों की पुअर हैंड राइटिंग होती है और वो अपनी बात को प्रॉपरली लिख नहीं पाते। अगर स्कूल गोइंग किड्स में हम डिसग्राफिया के सिम्टम्स देखें तो वो इस तरह से होते हैं कि इनको लेटर्स लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, इनको समझ नहीं आती कि एक पेज पर प्रॉपर स्पेसिंग कैसे देनी है, एक स्ट्रेट लाइन में लिखना कैसे है। कुछ बच्चों में मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर एक हाथ से इन्होंने पेज पकड़ा हुआ है और अगले हाथ से लिख रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही होगी, या लेसेस बांधते हुए प्रॉब्लम होती है, चम्मच से खाते हुए प्रॉब्लम होती है, या टाई पहनते हुए इनको डिफ़िकल्टी होती है। अगर इनके हाथ में कोई राइटिंग टूल है तो इनको लिखते हुए समझ नहीं आती कि पेज पर कितना प्रेशर अप्लाई करना है, लिखते हुए इनको एक प्रॉपर पोस्चर में बैठने की समझ नहीं आ रही होती है, कहीं ना कहीं इनको मोटर डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। थर्ड टाइप है डिसकैलकुलिया, जिसको हम नंबर डिसलेक्सिया या मैथ डिसलेक्सिया भी कहते हैं। 3-6% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होती है। इसमें बच्चों को एरिथमेटिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में डिफ़िकल्टी होती है, वो नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, साइंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि प्लस और मल्टीप्लाई में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट और लेफ्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, एनालॉग क्लॉक को रीड नहीं कर पाएंगे, 2 नंबर्स अगर इनके सामने हो तो वो समझ नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, बैकवर्ड काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, पैसों को काउंट करते हुए उनको प्रॉब्लम होगी, चेंज देते हुए उनको प्रॉब्लम होगी। सिंपली अगर हम कहें तो ऐसे बच्चे नंबर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स को अगर देखें तो बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरह स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में भी जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। अगर फैमिली में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी डिवेलप होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रीनेटल या न्यूनेटिकल रिस्क में पुअर ग्रोथ हो बच्चे की, या तो मदर ड्रग अब्यूज़ करती हैं, प्री मेच्योर बर्थ है या लो बर्थ वेट है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में अगर कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या अब्यूज़ हो तो वो ब्रेन डिवेलपमेंट को अफेक्ट करता है, या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जैसे हेड इंजरी या कोई नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस या कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी डिवेलप हो सकती है। आखिर में बात कर लेते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है। इनके मैथ ट्यूटर या कोई भी ट्रेन प्रोफेशनल इनकी हेल्प कर सकता है, इनको डिफरेंट टेक्निक सिखा सकता है जिनकी वजह से इनके एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लास में ऐसे बच्चों को कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, टीचर इनको अपने पास बिठाएं ताकि इनकी अटेंशन को इम्प्रूव किया जा सके, इनकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू इन बच्चों की हेल्प की जा सकती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों की मोटर स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है,
इनको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, जैसे जिन बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम है उनको इम्प्रूव किया जाता है। स्पीच थेरेपिस्ट इनकी हेल्प कर सकते हैं अगर कोई लैंग्वेज इशूज़ आ रहे हैं। ऐसे बच्चों में अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इशूज़ भी आते हैं, तो मेडिकेशन के थ्रू इनके उन सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।